के आमचूर पाउडर। हेलो फ्रेंड, सर्वे से किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आमचूर पाउडर। उसके लिए लिए हैं हमने ये कच्चे आम। इसको हमने धो के और इसे हमने सुखा लिया और इसे हम इसे छीलेंगे इस तरह से हम ये सारी आम छीलेंगे। अब छील के इसे हम ये हमने चिप्स बनाने के ये हमने चिप्स बनाने वाला लिया है। इससे हमारे ये चिप्स बारीक बारीक छीलेंगे। इस तरह से हमारे ये चिप्स की तरह ये पापड़ की तरह बन जाएंगे और इसे हम हाथ के हाथ पानी में डालना है। पतले पतले चिप्स की तरह हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये धूप में आसानी से जल्दी सूख जाए। हमने सारे आम को इस तरह से चिप्स बनाकर तैयार कर लिया है और इसे हम पानी में से निकाल के और धूप में इसे हम डालेंगे और 3 दिन तक इसे हम लगातार सुखाएंगे। जो हमने कच्चे आम के जो हमने चिप्स बनाए थे और वो सूख कर इस तरह से 3 दिन के बाद इस तरह से ये सूख के इस तरह करारे हो गए हैं। इसका हम पाउडर बनाएंगे, इसको हम इसमें डालेंगे। इसको हम पीसेंगे। हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया। इसे हम छानेंगे। हमारा बनकर तैयार हो गया पाउडर। आपको मैं एक जरूरी बात बताऊंगी, क्योंकि ये हमारा सफ़ेद पाउडर क्यों बना, इसका भी एक कारण है। क्योंकि जब हम चिप्स बनाते हैं, जो आम के कच्चे आम के हम जो चिप्स बनाते हैं, उस समय हमें चिप्स हाथ के हाथ पानी में डालना चाहिए। क्योंकि हम पानी में डालेंगे तो उसका जो कालापन नहीं होगा चिप्स में और हमारी जो सूखने के बाद में इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद ये पाउडर बनेगा। बनकर तैयार हो गया आमचूर पाउडर।